हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज 6 अगस्त दिन मंगलवार, आज मैं आप सबको देश और दुनिया की 25 सेलेक्टेड बड़ी खबरें बताने वाला हूं। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल लकी 25 न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें व इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें। इसी के साथ देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ 21 अगस्त भारत बंद, जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल आप सबको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की SC/ST आरक्षण पर जो अदालती फैसला आया है उसको लेकर दलित संगठनों में जमकर विरोध है इसका। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से मायावती, चिराग पासवान और चंद्रशेखर तक इसके विरोध में उतरे हैं और वहीं इसी के साथ 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है इन लोगों ने। इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर, महंगाई से आम आदमी को नहीं मिलने वाली है राहत। SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5% के आसपास महंगाई रहने का अनुमान जताया है। इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हिंसा का माहौल चल रहा है, वहीं आपको बता दें कि इसका असर भारत के कारोबार पर भी पड़ सकता है। कपड़े समेत कई प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं इससे। वहीं इसी के साथ आप सबको और भी बता दें कि बांग्लादेश में भारी हिंसा के बीच एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी उड़ानें कैंसिल कर दी। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश का विरोध प्रदर्शन हिंदुओं के लिए भी भारी पड़ रहा है क्योंकि बांग्लादेश में मंदिरों पर टूट पड़े हैं कट्टरपंथी, हिंसा के बीच दो हिंदू पार्षदों को भी मार डाला। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश के इन हालातों पर देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे इसमें। वहीं इसी के साथ आज आप सबको बता दें कि शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया, घर में घुसे प्रदर्शनकारी। वहीं इसी के साथ आपको और भी बता दें कि राजधानी ढाका में 4 लाख लोग सड़कों पर हैं और जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है। हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रखा गया है शेख हसीना को। गाजियाबाद के एयरफोर्स स्टेशन पर गरुड़ कमांडो का घेरा रहता है सुरक्षा का। NSA अजीत डोभाल ने इनके साथ मीटिंग की और 1 घंटे तक बातचीत भी की। इसी के साथ आपको और भी डिटेल में बता दें कि शेख हसीना को भारत में शरण देने के लिए PM आवास पर चल रही हाई लेवल मीटिंग, PM मोदी जल्द दे सकते हैं कोई बड़ा फैसला। बांग्लादेश में पुलिस को हटाकर पूरे देश में सेना की तैनाती कर दी गई, हिंसा में अब तक 19 पुलिस कर्मियों की भी मौत हो चुकी है। पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट है, सेना ही बनाएगी वहां अंतरिम सरकार। बांग्लादेश में 1971 जैसे हालात बन गए हैं, हिंदुओं का पलायन भी शुरू हो गया है। वहीं बांग्लादेश में उग्र आंदोलन के बाद भारत में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है, बंगाल से सटी सीमा पर BSF अलर्ट हो चुकी है। भारत के मेघालय ने भी बांग्लादेश बॉर्डर से लगे इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं बांग्लादेश की बदहाली के पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसी ISI का भी कनेक्शन निकल सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोचिंग सेंटर मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कहा कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि कोचिंग संस्थान डेथ चैम्बर बन चुके हैं, ये स्टूडेंट्स की जान को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को भी नोटिस थमाया गया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी अगली बड़ी खबर, UP मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी इसकी सुनवाई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 5वीं वर्षगांठ पर कश्मीरी नेताओं को नजरबंद किया गया। वहीं इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने भी दावा किया कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, जम्मू से अमरनाथ यात्रा भी 1 दिन के लिए रोक दी गई। वहीं 370 हटने की इस 5वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नए युग की शुरुआत हुई है। वहीं इसी के साथ जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद क्या बदलाव हुआ, आप सबको बता दें कि आतंकी घाटी से जम्मू में शिफ्ट हो गए, पत्थरबाजी 99% कम हो गई, 1 भी कश्मीरी पंडित की वापसी नहीं हुई। वहीं इसी के साथ भारतीय सेना से जुड़ी ही अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, अनंतनाग में 3 और पुलवामा में 2 आतंकी अरेस्ट हुए। वहीं आपको बता दें कि राजौरी अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, DRDO 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाएगा, वायुसेना ने प्रोडक्शन क्लियरेंस दिया, 110 किलोमीटर रेंज, 2900 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2022-23 में मंजूरी मिली थी। वहीं इससे आप सबको और भी बता दें कि एयरफोर्स की तरफ से अस्त्र मिसाइल निर्माण के लिए DRDO BDL को मंजूरी मिली, कई स्वदेशी परियोजनाओं की भी ली जाएगी मदद। वहीं इसी के साथ पेरिस ओलंपिक से जुड़ी अगली बड़ी खबर, ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची इंडियन हॉकी टीम, खिलाड़ी गुरजन सिंह के घर पर जश्न का माहौल। वहीं आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम 44 साल बाद फाइनल में पहुंचने पर उतरेगी, नीरज चोपड़ा पर भी रहेगी नजर। वहीं इसी के साथ पेरिस ओलंपिक से ही आपको बता दें कि मनु भाकर क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक होंगी, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, 11 अगस्त को होगी यह सेरेमनी। वहीं इसी के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल तालिका में आप देख सकते हैं कि भारत के खाते में अभी तक कुल 3 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं।
वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, वक्फ एक्ट पर गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली बदलाव स्वीकार नहीं है। जेडीयू में भी विरोध के स्वर उठे हैं। इसी के साथ डिटेल्स में आप सबको बता दें कि हाल ही में दो दिन से चल रही खबर के मुताबिक वक्फ बोर्ड में सरकार बदलाव करने जा रही है। वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी। कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है इसको। इसी के साथ आपको और भी बता दें कि सरकार 7 या 8 अगस्त को संसद में ला सकती है वक्फ बिल। सबसे पहले राज्यसभा में पेश होगा। इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन बोला चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई। इलेक्टोरल डेटा और नतीजे कानूनन सही हैं, कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर, देखते हैं आज के मौसम का हाल। देश का मानसून ट्रैकर, हिमाचल में 87 सड़कें ब्लॉक हो गई। मध्य प्रदेश में भी सेल्फी लेने के दौरान 2 युवक डूब गए। गुजरात में 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं राजस्थान में भी हो गई एक घटना, रील बनाने झरने में उतरा युवक 150 फीट नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। वहीं इसी के साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से भी अगली बड़ी खबर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में गोमती नगर का जो मामला था, लखनऊ बैड टच का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया, वो भी नाबालिग निकला। कानपुर में मौसी के घर छिपा था, 52 थानों की पुलिस उसको तलाश रही थी, 5 IPS भी कर रहे थे उसकी मुस्तैदी। वहीं इसी के साथ अगली खबर के मुताबिक आपको बता देंगे, केरल के वायनाड में जो लैंड स्लाइड की घटना हुई उस पर चिरंजीवी और रामचरण ने दान किए 1 करोड़ रुपए। वायनाड ट्रेजेडी में पीड़ितों को दी आर्थिक मदद। वहीं इसी के साथ मोहनलाल ने भी 3 करोड़ देने का ऐलान किया है। वहीं इसी के साथ मौसम विभाग के बारे में और भी आपको बता दें कि दिल्ली में अगले 3 दिन बरसेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। वहीं मध्य प्रदेश मानसून अपडेट भी बता दें कि बरगी डैम के 17 गेट आज भी खुले रहे। सेल्फी लेते समय 2 युवक भी डूब गए। शिवपुरी में नदी में फंसे 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल आज आप सबको बता दें कि 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है, सीढ़ियों पर आरती की गई। बारिश से जुड़े हादसों में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसी के साथ अगले 24 घंटों में मौसम के संभावित अनुमान क्या रहने वाला है, जिसे आप स्क्रीन पर डिटेल्स में देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मौसम के बाद जानते हैं आज का सोने व चांदी का रेट क्या चल रहा है। सोना 693 रुपये गिरकर 69,699 रुपये पर आया। वहीं चांदी 1765 रुपये नीचे गिरकर 81,736 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। वहीं इसी के साथ ऑटो इंडस्ट्री से अगली बड़ी खबर, सुजुकी जिक्सर पर धमाकेदार ऑफर, 20,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ फ्री मिल रही राइडिंग जैकेट भी। वहीं 10 साल की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल रही है। और इसी के साथ कंपनी 100% लोन की सुविधा भी दे रही है। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में अब स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होगी, संविदा पर रखे जाएंगे डॉक्टर, चिकित्सकों की कमी दूर हो जाएगी इससे। वहीं इसी के साथ हाल ही में आ रही एक रिपोर्ट के मुताबिक आप सबको बता दें कि पशु प्रोटीन की तुलना में पौधे आधारित प्रोटीन ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि दूध और पनीर में जो प्रोटीन होता है उससे ज्यादा मूंगफली और नट्स वगैरह में जो प्रोटीन होता है वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। वहीं इसी के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के आदेश पर रोक जारी है, कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को नहीं लगानी होगी नाम पट्टिका। वहीं इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर, भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात टॉप 3 में शामिल है, पीएम मोदी बोले साकार हो रहे मेक इन इंडिया का सपना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पूरी तरह बदल जाएगी आयुष्मान योजना, मिडिल क्लास को भी मिलेगा मुफ्त इलाज, करोड़ों लोगों को होगा इसका फायदा। इसी के साथ भारत के लिए अगली बड़ी खबर, भारत की अर्थव्यवस्था का डेलॉट ने भी माना लोहा, कहा फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.2% रह सकती है देश की GDP ग्रोथ। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मनोज सिसोदिया को फिर लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 7 दिन के लिए टल चुकी है। वहीं ईडी ने भी कहा सिसोदिया के खिलाफ मामला मनगढ़ंत नहीं है, शराब नीति घोटाले में उनकी मिली भगत के हमारे पास सबूत हैं। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से जेल के अंदर हैं। वहीं इसी के साथ CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका भी खारिज हो गई, हाईकोर्ट ने कहा ऐसा नहीं लगता कि उनकी गिरफ्तारी बिना वजह हुई है। वहीं इसी के साथ उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा से जगमग करेंगे 30,000 सूर्य मित्र, केंद्र का देश भर में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने का है लक्ष्य। वहीं इसी के साथ अगली चौंकाने वाली बड़ी खबर, ताजमहल में घुसकर महिला ने लहराया भगवा, सावन सोमवार पर गंगा जल भी चढ़ाया, CISF ने दौड़ाकर पकड़ा उसको। वहीं आपको बता दें कि आए दिन ऐसी घटनाओं को देखते हुए ताजमहल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, पर्यटकों को 3-लेयर सिक्योरिटी से गुजरना होगा, गंगा जल चढ़ाने के बाद बढ़ाई गई है यह सख्ती। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में ताजमहल में घुसकर 2 युवकों ने मकबरे पर चढ़ाया था गंगा जल और ओम का स्टीकर भी चिपकाया था। लोग दावा कर रहे हैं कि यह तेजो महालय शिव मंदिर है। वहीं इस मामले पर आप सबका क्या कहना है, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं इसी के साथ उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी अगली बड़ी खबर, रजिस्ट्री के लिए भागदौड़ हुई खत्म, ई रजिस्ट्री वाला UP बना देश का 2रा राज्य।
वहीं इसी के साथ उत्तर प्रदेश से ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार अयोध्या आएंगे सीएम योगी, दर्शन पूजन और समीक्षा कार्यक्रम करेंगे। वहीं इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर आप सबको बता दें कि इसराइल बोला जो हमसे टकराएगा भारी कीमत चुकाएगा। इसराइल के पीएम नेतन्याहू बोले ईरान हो या हमास सभी को करारा जवाब मिलेगा। वहीं दावा किया जा रहा है कि इसराइल पर हमला कर सकता है हिजबुल्ला। अमेरिका ने G7 देशों से बात की, ईरान बोला किसी भी कीमत पर पलटवार करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की खबरें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।